हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, गर्मियाँ आ गई हैं और लोग हेयर स्टाइल मतलब हेयर को ओपन नहीं रख सकते हैं या फिर कोई ओपन हेयर स्टाइल नहीं कर सकते, बहुत गर्मियाँ लगती हैं और हम लोग चाहते हैं कि अपना हेयर स्टाइल भी बहुत ही ब्यूटीफुल हमारा हेयर स्टाइल बने और हमारा लुक भी अच्छा लगे और हमको गर्मी भी ना लगे। तो मैं सही तरीके की काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि इस टाइप का हेयर स्टाइल आप लोग को बताऊँ, तो आज मैं ऐसे ही हेयर स्टाइल लेकर आई हूँ। तो आप लोग के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मैं देखती हूँ कितने हेयर स्टाइल बता सकती हूँ। आप जो भी हेयर स्टाइल बताऊँगी सारे आप लोग किसी भी ड्रेस के साथ कर सकते हो, तो जो हेयर स्टाइल जिस ड्रेस के साथ अच्छा लगेगा वो मैं आप लोगों को साथ साथ में बताते जाऊँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा एक और चैनल है ड्रेस डिजाइनर प्रीत तिवारी, जिससे मैं अमेजिंग ड्रेस डिजाइनिंग की वीडियो अपलोड करते रहती हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है तो चैनल पर जरूर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हैं। तो फर्स्ट हेयर स्टाइल में क्या करना है आपको, सबसे पहले सिंपली आपको इसके लिए फर्स्ट हेयर स्टाइल के लिए आपको 2 रबर बैंड चाहिए। मेरे पास एक सेम कलर के नहीं थे तो मैंने 2 अलग अलग कलर के ले लिए हैं, आप सेम कलर का ले लीजिएगा अगर आप बाहर जा रहे हो तो। आपको सिंपली इस तरीके से कॉम कर लेना है, इन चोटियों को भूत लेना है। सिंपल ज़्यादा लूज करने की जरूरत नहीं है। और इसके नीचे एक और रबर बैंड लगा दीजिएगा, पतला वाला जो रबर होता है वो लगाना है आपको, जैसे कि ये है, क्योंकि ताकि ये ओपन ना हो जाए मतलब खुल ना जाए। इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी चोटी बना लेनी है। मैंने अपनी दूसरी चोटी भी पूछ ली, टाइट भी रबड़ को टाइट लगा लीजिएगा ताकि रबड़ निकल ना जाए, जैसे कि मेरा निकल गया अभी। फ्रंट से सिंपली कॉम करके लेके जाना है और एक और जोड़ा पिन लगा देना है।
स्टाइल आप साड़ी के साथ, सूट के साथ, जो भी ड्रेस आप पहन रहे हैं ऑल ड्रेस के साथ ही जाएगा हेयर स्टाइल, साड़ी के साथ भी, सूट के साथ, कुर्ती के साथ, गर्मी में भी ये हेयर स्टाइल जींस टॉप के साथ, लोअर टी शर्ट के साथ भी कर सकते हो। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल। आपका हम फाइव से इस तरीके से लेयर्स भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे हेयर फर्स्ट हेयर स्टाइल का फाइनल लुक है। सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ, सेकेंड हेयर स्टाइल में भी आपको बीच से पार्टी करनी है, बीच से मांग निकाल देनी है और टू हाई पोनी टेल बनानी है। टू हाई पोनी टेल तो टू हाई पोनी टेल बनाने के बाद से आपको सिंपली इसको ट्विस्ट कर देना है हल्का हल्का। इसको यू पिन से सेट कर देंगे। ये वाला हेयर स्टाइल आपको जींस टॉप के साथ, शॉर्ट्स के साथ, ये सब ड्रेस के साथ आप कर सकते हो, नाइट ड्रेस के साथ। प्लेयर्स निकाल लो, थोड़ा थोड़ा बाल को खींच भी सकते हैं। और ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया। चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल में जो आपने टू पोनी टेल बनाई थी इसको थोड़ा सा और डोर कट कर लूँगी और टाइट कर लूँगी। ओके, देन एक रबर बैंड नीचे से आपने ये जो बनाया है एक रबर बैंड के अंदर से इसको निकाल लेंगे बालों को, उसको टाइट कर लूँगी सेम उसी तरीके से दूसरी तरफ को। ओके, उसके बाद आपको क्या करूँ सिंपली ये वाली दोनों हेयर कर लूँ और एक दूसरे से अंदर से इन करते हुए आपको इसको पिन से सेट करना है। ये सारे समर के लिए हेयर स्टाइल हैं और बहुत ही ईजी आप बना लेंगे। और फ्रंट से जो मांग दिख रही है उसको आप हाइड कर दीजिए और यहाँ पे एक यू पिन लगा दीजिए ताकि आपकी मांग दोबारा से ना निकल जाए। उसे हल्का हल्का आप खींच के अपने बालों को पफ का लुक दे दीजिए, फिर बैक से देख लीजिए, बैक से भी आपकी मांग दिख रही होगी तो आप इसको ऐसे कॉम कर दीजिए और कॉम करके एक यू पिन लगा दीजिए। वैसी का बंद रख सकते हो, ये काफ़ी टाइट भी लगता है और आप इसको ऑल टाइप ड्रेस के साथ बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप सूट के साथ, साड़ी के साथ, हर टाइप के ड्रेस के साथ आप इसको बना सकते हो। और आपको अगर ये लेयर पसंद ना हो तो आप इसको ऊपर करके और आप यहाँ पर स्प्रे मार सकते हो। मैंने स्प्रे दिखाया हुआ है अपने हर वीडियोज में, उसमें मैं स्प्रे नहीं दिखा रही हूँ। इस तरीके से ये आपको ऊपर करके क्लिप भी लगा सकते हो, स्प्रे भी मार सकते हो। तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया। हेयर स्टाइल की तरफ, चौथा हेयर स्टाइल आपको साड़ी पे ज़्यादा बेस्ट लगेगा तो आपको क्या करना है सिंपली आपको इस तरीके से हेयर को लेके जाना है, इस तरीके से मांग निकालेंगे, इधर से सारे हेयर को लेकर यहाँ पे एक कॉम बना लेंगे।
और पोनी को रबड़ बैंड से लगा देना है। साड़ी के साथ बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो ये हमारा आप चाहोगे अगर पीनअप कर सकते हो तो भी पीनअप करने से आपका लुक अच्छा आएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट।